नमस्कार। 2019 के वर्ल्ड कप को कई वजहों से याद रखा जाएगा और जिसमें से एक वजह है अंबाती रायडू का संन्यास। अंबाती रायडू भारतीय वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं है, वो रिजर्व खिलाड़ियों में थे लेकिन उन्हें चुना नहीं गया, इसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। और इस संन्यास से मुझे एक चीज़ अचानक से याद आई, वो थी विनोद कांबली का 1996 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हारने के बाद रोते हुए बाहर निकलना। दोनों चीज़ों में बहुत सारे संबंध हैं, अंबाती रायडू के करियर में, विनोद कांबली के करियर में। हम इसी पे आज बात करेंगे, अंबाती रायडू के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो वीडियोस हैं आपको जानकारी वाले वो मिलते रहें। अंबाती रायडू भारत के सबसे टैलेंटेड प्लेयर्स में से माने जाते थे कहना चाहिए, जब उन्होंने 2002 में करियर शुरू किया था, अंडर 19 में जब उन्होंने खेलना शुरू किया, लगा कि एक नया खिलाड़ी मिल गया। वो माहौल ऐसा था सौरभ गांगुली की कप्तानी में, बहुत सारे नए प्लेयर्स आए थे, जहीर खान आए थे, हरभजन सिंह आए थे, युवराज सिंह आए थे, मोहम्मद कैफ और नेटवर्क से ट्रॉफी वाला वो चल रहा था। वो उस दौरान एक अंडर 16 अंडर 19 का एक प्लेयर आता है जो लाजवाब खेलता है, जिसका टैलेंट, जिसके स्ट्रोक्स लाजवाब होते हैं और लगता है कि भारत को एक और अगला सचिन तेंदुलकर मिलने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे विनोद कांबली के समय कहा जाता है कि वो सचिन के बाद अगला बड़ा नाम हो सकते थे भारतीय क्रिकेट का, हो सकते थे, अंबाती रायडू भी हो सकते थे, लेकिन उनका करियर महज 55 वनडे मैचेस तक सिमट के रह गया और जिसमें उन्होंने 47 के एवरेज से रन बनाए, जो सचिन तेंदुलकर के एवरेज से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी उन्हें भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। 6 महीने पहले विराट कोहली कह रहे थे कि भारत को वर्ल्ड कप के लिए नंबर 4 नंबर का बड़ा अच्छा बल्लेबाज मिल गया। क्या हुआ पिछले 6 महीने में कि वो शामिल नहीं हुए वर्ल्ड कप टीम में और उन्हें संन्यास लेना पड़ा। इसकी कहानी वहीं 2002 से शुरू होती है जब वो खेलना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अंडर 19 टीम की कप्तानी की। इस कप्तानी में उनके अंडर में उनके कप्तानी में शिखर धवन और दिनेश कार्तिक जैसे कई खिलाड़ी खेले, रॉबिन उथप्पा खेले, बहुत सारे खिलाड़ी अंडर 19 में उनके नीचे खेले जो बाद में उनसे पहले भारतीय टीम में सेलेक्ट हो गए। अंबाती रायडू उस समय रनों का पहाड़ बना रहे थे। हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 698 रन एक ही सीजन में रणजी में ठोक डाले और ऐसा लग रहा था भारतीय टीम में उनकी जगह पक्की है। पूर्व क्रिकेटर शिवपाल यादव के बेटे अर्जुन यादव से भी उनका झगड़ा था। झगड़ा इतना बढ़ता है कि वो अर्जुन यादव उनको स्टंप लेके मारने दौड़ते और इस झगड़े में उनको बहुत नुकसान मानसिक रूप से पहुंचा, उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हुआ और वो पूरा मतलब जो अगला फेज था, अगला सीज़न था, वो बहुत बुरा खेले, उनका परफॉर्मेंस बहुत गिरा। इसी एग्रेशन के चलते 2007 में क्या हुआ, जब उनके जूनियर उनके बराबर के खिलाड़ी भारतीय टीम में सेलेक्ट हो गए और वो सेलेक्ट नहीं हुए तो उन्होंने ICL खेलने का फैसला ले लिया और ये फैसला उनके लिए घातक साबित हुआ। ICL में उन्होंने जो भारतीय BCCI के जो बोर्ड है उससे बागी जो टीम बनी थी उसमें उन्होंने खेलना शुरू किया, ये कहते हुए कि मैं घरेलू क्रिकेट कब तक खेलूंगा, मुझे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों के साथ खेलना है और उसका अनुभव लेना है। लेकिन उस अनुभव लेने के चक्कर में उनको वो भारतीय टीम में दोबारा वापस आने में उनको 5 साल का टोटल समय लग गया। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें बदल गई भारतीय टीम में, बहुत सारे नए प्लेयर्स ने जगह बना ली, उनके साथ ही शिखर धवन को 2010 में मौका मिल गया जो सबसे लेट थे उनके साथ के खेलने वालों में, नेशनल टीम में डेब्यू करने वालों में, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाई और ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन रहता है। इसके बाद उन्होंने खेलना शुरू किया लेकिन एक चीज़ हो गई, अंबाती रायडू बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छे उन्होंने रन बनाए, सब कुछ किया, लेकिन स्ट्रोक प्लेइंग जो थी उनकी शुरुआती जो इन विवादों से पहले हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। वो छोटी टीमों के साथ जिम्बाब्वे और इन सब के साथ रन बना रहे, बड़ी टीमों के साथ उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा लेकिन बाकियों के मुकाबले अच्छा रहा जो उनके रिप्लेसमेंट में चुने गए उनके मुकाबले। फिर उन्होंने IPL में रन बनाना शुरू किया और IPL में उन्होंने दनादन रन बनाए, मुंबई इंडियंस की तरफ से बनाए, चेन्नई की तरफ से बनाए, बढ़िया परफॉर्मेंस थी, लेकिन किस्मत कही है जो कही है वो योयो टेस्ट में फेल हो गए। अब भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए योयो टेस्ट पास करना ज़रूरी था, फिर उनकी जगह टीम से चली गई। इसके बाद फिर उन्होंने वापसी करने की कोशिश की लेकिन इस बीच में उन्होंने हरभजन सिंह से झगड़ा कर लिया IPL के दौरान और भी इनके विवाद होते ही रहे। अंबाती रायडू ने 3 क्रिकेट में रणजी में टीमें बदली हैं, सबसे पहले वो हैदराबाद से खेले, हैदराबाद से जब झगड़ा हो गया तो वो आंध्रा से खेले, आंध्रा से जब झगड़ा आंध्रा भी छोड़ने के बाद उन्होंने वापस वडोदरा से खेलना शुरू किया। और जो स्थिरता चाहिए होती है, शांति मतलब एक पेशेंस चाहिए होता है खिलाड़ी के दिमाग लेवल पर, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलने के लिए, उसकी उनके अंदर वो कमी दिखती रही। फिर 6 महीने पहले उनको कहा जा रहा था कि वो बड़ा सही चॉइस हो गए हैं और उनको नंबर 4 की समस्या दूर हो गई, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। इस बीच में उनको वर्ल्ड कप के लिए रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया।
जब चयनकर्ताओं से पूछा गया कि विजय शंकर को क्यों जगह दी गई, तो विजय शंकर के नाम पे एम एस के प्रसाद ने कहा कि वो एक थ्री डायमेंशनल प्लेयर हैं, कि उनकी बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है और फील्डिंग अच्छी है। अब इस चीज़ पे अंबाती रायडू ने ट्वीट किया कि उन्होंने वर्ल्ड कप देखने के लिए 3D ग्लासेस देख लिया। वो ये जो ट्वीट था ये BCCI के ऊपर तंज था, भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर तंज था और चयनकर्ताओं के ऊपर तंज था। ये ट्वीट्स का कितना बुरा माना सेलेक्टर्स ने पता नहीं, लेकिन उसके बाद उनको टीम में नहीं ही चुना गया, उनकी जगह कोई एक्सपीरियंस ना रखने वाले मयंक अग्रवाल को बुला लिया गया टीम में खेलने के लिए इंग्लैंड। लेकिन अंबाती रायडू जैसे बल्लेबाज को जो कुछ भी मानिए, उनके एटीट्यूड के साथ कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो एक अच्छे बल्लेबाज थे, उनको नहीं चुना गया, जिसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। विनोद कांबली के साथ भी कमोबेश यही समस्याएं थी, उनके करियर में भी यही हुआ था। उन्होंने जब टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उन्होंने बड़ा शानदार शुरुआत की, दोहरा शतक शतक और काफ़ी कुछ किया, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ 17 टेस्ट खेल के रह गए। और वही अंबाती रायडू के साथ भी कि वो शुरुआत जब उन्होंने 2002 में अंडर 19 में की थी तो बड़ा शानदार बल्लेबाज माने जा रहे थे, लेकिन कुल 55 वनडे मैच खेल के रह गए। और विनोद कांबली के साथ भी एटीट्यूड की प्रॉब्लम थी की बात थी, और वही प्रॉब्लम्स अंबाती रायडू के साथ में भी थी। भारतीय टीम में एक लंबा इतिहास रहा है, खासतौर पर कुछ रीजन्स के प्लेयर के साथ नाइंसाफी होने का, इनमें से हैदराबाद भी एक है। और जैसे VVS लक्ष्मण के बारे में माना जाता है कि वो इतने क्लासिक बल्लेबाज थे, फिर भी उन्हें उतने मौके नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। क्यों, खैर, अंबाती रायडू एक अच्छे बल्लेबाज थे, एक अच्छा क्रिकेटर हमने खो दिया जिसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, ये दोनों के लिए दुखद है। अंबाती रायडू भी दुखी होंगे निश्चित तौर पे, उनका जो करियर ग्राफ हो सकता था वैसा नहीं हुआ। और क्रिकेट के प्रेमी भी बहुत सारे दुखी होंगे कि एक अच्छा क्रिकेटर जितना भारत के लिए योगदान दे सकता था उतना नहीं दे पाया। हमने इस तरह के और भी वीडियोज़ किए, हम आगे भी करेंगे। आप सुब्रत बनर्जी का उदाहरण देख सकते हैं, हमने उनके ऊपर वीडियो किया है, हमने प्रवीण भारद्वाज के ऊपर वीडियो किया, हमने भारत के पहले दलित क्रिकेट के ऊपर भी वीडियो किया, आप उन पर भी देख सकते हैं। वैसे क्रिकेट से अलग हमने थोड़ा सा एक नया शुरू किया है स्टाइलिंग के बारे में, वो देखिए कि अगर आप क्या ऐसा करें कि आप बहुत स्मार्ट दिखें, बहुत दिखें, क्या ऐसा ना करें कि आप जोकर जैसे ना दिखें, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी हम वीडियो कर रहे हैं। तो वीडियो देखिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कैसा वीडियो कर रहे हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, धन्यवाद।